अब यह अहम मामला है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास, दोहरी शहरियत और अफगान महाजरीन के मामले पर बहस। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान का कहना था कि जिन अफसरान की दोहरी शहरियत है उनको साइड पर किया जाए। डीजी नादरा, खैबर पख्तूनख्वा का क्या किरदार है? खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के करीब है, ये हसास पोस्ट है। नूर आलम खान का चेयरमैन नादरा से मुकालमा। चेयरमैन नादरा का कहना था कि कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पाकिस्तानी शहरियत तर्क करके देते हैं, इस किस्म के लोगों की तादाद 500 है। शेख रुहेल असगर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आम लोगों और खास लोगों में फर्क होता है, जो लोग मलिका की वफादारी का हलफ लेते हैं उन पर कैसे एतबार कर सकते हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। रुकन पब्लिक अकाउंट कमेटी शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया शेख रुहेल साहब आपके वक्त के लिए। अब बताइएगा, आपने बरहमी का इजहार किया है, आपने कहा कि खास और आम लोगों में फर्क होना चाहिए, मजीद क्या कहेंगे इस पर? नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होती है, जो जैसे आप नादरा कह लीजिए, पूरे मुल्क का डाटा, जिसमें आप ये कह लीजिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बड़े हसास इदारे हैं, उनका भी डाटा उनके पास है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब आप पाकिस्तान की शहरियत की जगह पे दूसरी शहरियत लेते हैं तो इसका मतलब आप पाकिस्तान के सेकेंडरी सिटीजन हो जाते हैं। आप वहां पे जब लेते हैं शहरियत तो फिर आप हल्फ उठाते हैं उस मुल्क के वफादार होने का। तो किसी वक्त भी ये हो सकता है ना, एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये होती है कि जब आप इस किस्म के लोगों को, जो दोहरी शहरियत के लोग होते हैं और बाहर बैठे होते हैं, और उनको आप यहाँ पे इंतहाई महंगे दामों पे आप उनको इंडक्ट करते हैं, तो उनका एटीट्यूड बड़ा अजीब सा होता है, और वो जो बिहेवियर होता है ना इनका, वो अजीबो गरीब किस्म का होता है। वो ये समझते हैं कि वो बहुत ही अकल दानिश के मालिक हैं और बाकी जो लोग हैं वो उस हद तक अकल दानिश रखते नहीं है। ये मेरे खुशफहमी हो जाती है ना, ये इन चीजों को मैंने उनको बावर कराने की कोशिश की थी। दो तीन चीजें बड़ी जेन्युइन और रिसर्च जेन्युइन थी जो मैंने बात की इसमें, या आप ये कह लीजिए कि हाँ, जो उन्होंने एक बात की थी उससे जरा मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ था, इख्तलाफ ही नहीं था, उनके उस लबो लहजे पे भी इख्तलाफ था। चेयरमैन पीएसी को ये कहना कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी तो आप मुझे बता देते, भाई ये तरीका नहीं है बात करने का। ये कह सकते थे कि आपके इन्फॉर्मेशन अगर आप मुझे सेंड कर देते हो तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उसको इन्वेस्टिगेट करके आई विल कम बैक टू यू कि मैं आपको बता देता। ये तरीके मतलब उन लोगों को मतलब एहसास नहीं होता, वो ये समझते हैं कि ठीक है जब तक यहाँ रहेंगे इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जब जी जाएगा छोड़ के वापस अपने पतंग को चले जाएंगे। तो इसलिए ये चीज तो एक है यहाँ पे, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपको उनके वे ऑफ टॉकिंग से प्रॉब्लम था। नहीं, मैं वे ऑफ टॉकिंग नहीं, वे ऑफ टॉकिंग में प्रॉब्लम, मुझे पोस्टों में भी प्रॉब्लम है कि जो पोस्ट ऐसी हो जहाँ पे कि बड़ी सेंसिटिविटी है, तो उसमें मेरे ख्याल में। और दूसरा, मैंने अक्सर मीटिंग्स मैंने ये कहा है, जैसे मिसाल के तौर पर नेशनल बैंक का प्रेसिडेंट है, आपने उठा के बाहर से लगा दिया, मैंने ये कहा कि इसका मतलब है कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं है कि वो इस बैंक को आप हेड कर सके, या कोई भी अदारा हो, चाहे वो नादरा का अदारा हो, चाहे कोई भी अदारा हो, तो उस अदारे के लोगों को आप जब इस तरह का इनकरेज करेंगे तो मेरे ख्याल में वो इस अदारे को। ठीक है शेख, आपका मौके हम तक पहुंच चुका है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।